हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया। तो स्टार्ट करें अपना टॉपिक। ठीक है, लास्ट लेक्चर जो हम लोगों ने तैयार करा था वो हमने बनाया था डिसोल्यूशन के इंट्रोडक्शन पे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या डिफरेंसेस होते हैं और किस हिसाब से हमारी गाड़ी चलती है। तो जिसने वो लेक्चर मिस करे पहले उस लेक्चर को देखेगा तो आज का लेक्चर उसके लिए और इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया पूरा का पूरा कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का होता क्या है, वहां के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं और क्यों फर्म बंद होती है। सारे रीजंस हम लोगों ने उस लेक्चर में देखे थे, तो आप उसे जाके प्लेलिस्ट से चेक करें, वहां पर आपको ये वाली लेक्चर भी जरूर मिलेगा। लेकिन आज हमारी जो डिस्कशन है वो है प्रैक्टिकल सेंस से। प्रैक्टिकल सेंस से मतलब कि जब हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की बात करते हैं तो वहां पर जो हमारे अकाउंट्स बनते हैं, पहला वो बनता है रियलाइजेशन अकाउंट। अगर मैं बताऊं आपको कि कौन कौन से अकाउंट्स हमें प्रिपेयर करने पड़ते हैं एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, तो नंबर वन विल बी रियलाइजेशन अकाउंट, सेकंड विल बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड थर्ड एंड लास्ट विल बी कैश और बैंक अकाउंट। ये बात तो क्लियर है। इसका मतलब ये तीन अकाउंट्स बनेंगे हमारे मेन। मैंने बोला बिल्कुल ये बनेंगे। तो आज की जो हमारी गाड़ी स्टार्ट हो रही है वो हो रही है रियलाइजेशन अकाउंट से, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर मैं डिसोल्यूशन की बात करता हूं तो सबको ये समझ में आएगा कि रियलाइजेशन अकाउंट कुछ नया अकाउंट है, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो चाहे कैश बैंक अकाउंट हो, ये हम लोगों ने बहुत प्रिपेयर करे हैं, पूरी पार्टनरशिप में हम लोगों ने ये बातें करी हैं। लेकिन रियलाइजेशन सर, उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते, तो आइए मेरे साथ साथ स्टार्ट करते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट होता क्या है और इसको प्रैक्टिकल सेंस में, अकाउंटिंग सेंस में कैसे डील करा जाएगा। तो आओ जरा मैं लिखता हूं सबसे पहले एक से। सबसे पहले हम बात करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है ना, रियलाइजेशन अकाउंट, ऐसा मैंने लिख दिया रियलाइज। अच्छा, रियलाइजेशन अकाउंट या रियलाइज करना किसी चीजों को, पहली बात तो याद करो मैंने आपको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब बताया था कि बिजनेस क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है। बड़े ध्यान से देखना, सीक्वेंस है सारी चीजों का, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। बिजनेस क्या हो जाता था, अगर मैं बात कर रहा हूं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की, तो 100% है वहां पर तो बिजनेस क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है। और बिजनेस क्लोज का मतलब है जो बिजनेस की क्या थी एक समय पे, बिजनेस की पोजीशन थी कि नहीं थी, बिल्कुल थी। और बिजनेस की पोजीशन कहां से पता चलती थी, बैलेंस शीट। इसका मतलब जब बिजनेस ही क्लोज हो गया, बड़े ध्यान से समझना, जब बिजनेस ही क्लोज हो गया, मेरे पहला पॉइंट हम समझे इसे कि बिजनेस क्लोज होता है तो बिजनेस की पोजीशन पता कहां से चलती है हम लोगों को, बैलेंस शीट के थ्रू। तभी तो हम बैलेंस शीट को पोजीशन स्टेटमेंट बोलते थे, हाँ कि ना। जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें क्या पता चलता है, बड़े ध्यान से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें क्या पता चलता है, इनकम। इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम लोग इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं। उसी हिसाब से बैलेंस शीट से हमें बिजनेस की पोजीशन के बारे में पता चलता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बिजनेस की पोजीशन स्टेटमेंट। लेकिन सर बिजनेस तो क्या हो रहा है, बिजनेस तो क्लोज हो रहा है, इसका मतलब जो भी पोजीशन थी एक फर्म की आज वो खत्म हो चुकी है, तभी तो बिजनेस क्या हो रहा है। ऑब्वियसली अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन को बंद करें इसका मतलब हालात ठीक नहीं है। हालात कहां से पता चलते हैं, बैलेंस शीट से। देखो मैं यहां लिख देता हूं, फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है बिजनेस की बैलेंस शीट से, हाँ कि ना। तो जब बिजनेस ही क्लोज हो गया तो बिजनेस की लाइबिलिटीज कहो और साथ में क्या कहो, असेट्स, वो भी तो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। बिजनेस के क्लोज होने का मतलब ही ये है कि बैलेंस शीट की जितनी भी चीजें उनके साथ भी हमारा नाता टूट गया, बैलेंस शीट ही पूरी खत्म हो गई। ये बात तो ठीक है जी। ये एक बात आपको ध्यान रखनी है जब भी मैं बात करूंगा किसकी, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की, या कह लो साथ में किसकी, रियलाइजेशन अकाउंट की। अब जरा मेरे साथ थोड़ा सा टेक्निकल बातों पे आओ, मुझे एक चीज बताओ, जब आईपीएल मैचेस सब देखते हैं, बिल्कुल, ऑक्शन वर्ड सुने, नीलामी बिल्कुल सुने, तो वहां पर जिस भी चीज की नीलामी होनी होती है, मान लो बहुत सारे फर्नीचर है, बहुत सारे एसीज है, बहुत सारी और चीजें हैं, तो खुद बताओ उनकी बोली क्या सीधा लग जाती है, बिना देखे क्या वो सामान बिक जाता है। आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं, एक जगह पर लाया जाता है, सारे सामान को आगे भेज दिया जाता है, सारा सामान एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है, फिर लोग आते हैं और अपने अपने रेट्स बताते हैं। इसका मतलब कोई चीज अगर 100 की होती है तो उसकी किस्मत होती है तो वो 150 रुपए के अंदर भी बिक जाती है। जैसे कि एक क्रिकेटर विराट कोहली आ गया होता है, उस जगह पे विराट कोहली प्रेजेंट होता है जहां पर क्या हो रही होती है, ऑक्शन हो रही होती है, नीलामी हो रही होती है। तो इसका मतलब पहले हम बंदे को या सामान को ट्रांसफर कर देते हैं, उसके बाद फिर वो जितने का बिके वो बात की बात है, बताओ हाँ कि ना। इसका मतलब पहले चीजों को ट्रांसफर करना जरूरी है, भेजना जरूरी है, तभी तो पता चलेगा वो कितने की बिक्री है की, कितने की नहीं बिक्री है, हाँ कि ना। बड़े ध्यान से, जैसे कि OLX ऐप है, सबको पता है वहां पर हम लोग अपने पुराने सामानों को बेच सकते हैं। तो खुद बताओ क्या ये पुराना, अगर मानो ये डस्टर है, अब ये डस्टर है, पुराना डस्टर है और मुझे लग रहा है कि इसको सेल कर देना चाहिए, ये अच्छा रब नहीं करता,
तो मुझे बताओ क्या ये बैठे बैठे बिक जाएगा अपने आप, जादू हो जाएगा? आप कहोगे सर जादू तो नहीं होता, ठीक है ना। इसका मतलब पहले मेरे को इसकी पिक क्लिक करनी पड़ेगी, मैं इसकी फोटो क्लिक करूंगा और इसे OLX ऐप पर अपलोड करूंगा, उसके बाद फिर बिकेगा ये, हाँ कि ना। तो मुझे भी सबसे पहले क्या करना पड़ा, अपनी जिस चीज को मैं बेचना चाहता हूं उसे पहले मेरे को ट्रांसफर करना पड़ता है, उसके बाद वो चीज बिकती है। ये बात याद रहेगी? बिल्कुल याद रहनी चाहिए, हाँ कि ना। तो जब मैं रियलाइजेशन अकाउंट बनाऊंगा तो पहला स्टेप क्या होगा, सीधा सेट को बेच दूंगा? नहीं, सबसे पहले मैं असेट को ट्रांसफर करूंगा। बड़े ध्यान से, क्या मैं सीधा असेट को बेच दूंगा? बिल्कुल नहीं। असेट को सबसे पहले अगर मैं स्टेप नंबर वन बोलूं तो मुझे अपने असेट्स को ट्रांसफर करना पड़ेगा। और क्या लाइबिलिटी भी सीधा पे हो जाएंगी? बिल्कुल भी नहीं। पहले लाइबिलिटीज को भी मैं ट्रांसफर करूंगा, उसके बाद मैं लाइबिलिटीज को पे ऑफ करूंगा। नंबर वन, असेट्स को ट्रांसफर करेंगे, बिल्कुल। नंबर टू, लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे। नंबर थ्री, असेट्स को बेचेंगे और उससे जो पैसा रिकवर होगा, पॉइंट नंबर फोर, लाइबिलिटीज की पेमेंट कर देंगे। दोबारा से एक बारी, नंबर वन क्या, असेट्स को ट्रांसफर करेंगे, वेरी गुड। उसके बाद लाइबिलिटीज को क्या करेंगे, लाइबिलिटीज को भी ट्रांसफर करेंगे। तीसरा स्टेप, असेट्स को बेचेंगे, पैसा रिकवर करेंगे। और चौथे स्टेप में जो भी पैसा हमने रिकवर करा है असेट को बेच के, उससे हम अपनी लाइबिलिटीज की पेमेंट कर देंगे। कितनी आसान गाड़ी चल रही है, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, हाँ कि ना, बिल्कुल। अब मैंने बार बार वर्ड इस्तेमाल करा सर ट्रांसफर करेंगे, बड़े ध्यान से देखना, बार बार वर्ड बोले क्या करेंगे, असेट्स को भी और लाइबिलिटीज को भी। सबसे पहला स्टेप नंबर वन हमारा क्या रहेगा, असेट्स लाइबिलिटीज को क्या करना, ट्रांसफर करना, लाइबिलिटीज को भी और असेट्स को भी। कौन सी वैल्यूज पर, बड़े ध्यान से देखना, बैलेंस शीट वैल्यूज पर। जो चीज बैलेंस शीट में जितने रुपए की दिखाई दे रही है उसी वैल्यू पर हम उन्हें क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। तो हम सिंपली कह सकते हैं हम लोग किस वैल्यू पर ट्रांसफर करेंगे, बैलेंस शीट वैल्यूज, या इसको हम बोल सकते हैं बुक वैल्यूज, एक ही बात है, ठीक है ना। चाहे बुक वैल्यूज बोलो चाहे बैलेंस शीट वैल्यू बोलो, बात एक ही है। इसका मतलब चाहे मैं बात करूं असेट्स की या मैं बात करूं लाइबिलिटीज की, दोनों की दोनों चीजें ही, क्योंकि बिजनेस क्लोज हो रहा है, इसे हम ट्रांसफर कर देंगे, भेज देंगे आगे। कौन सी वैल्यूज पर, बैलेंस शीट वैल्यू या बुक वैल्यू। बड़े ध्यान से, बैलेंस शीट वैल्यू या बुक वैल्यू पर हम ट्रांसफर कर देंगे। ये बात तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये दो बातें याद रहेंगी, बिल्कुल रहेंगी सर। अब आ जाओ जरा फटाफट से एक बार मैं रियलाइजेशन अकाउंट बताऊं। रियलाइजेशन अकाउंट एक कौन सा अकाउंट है, मैं लिखता हूं जरा, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट को भी मैं नॉमिनल अकाउंट ही कह रहा हूं, बताओ क्यों, क्या होते हैं नॉमिनल अकाउंट? सर ये तो आपने बहुत बारी बताया, मैंने तो बताया, तुम तो नालायक हो ना, जरा सुन लो एक बार फिर से। रियलाइजेशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट की सर खासियत होती है, मैंने बोला क्या खासियत होती है, मैंने बोला नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट होता है जो हमें एंड में यहां पर क्या कैलकुलेट करके देता है, प्रॉफिट या लॉस। इसका मतलब अगर किसी भी बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस की हमें जानकारी चाहिए तो वो सारे अकाउंट, दुनिया के कोई भी अकाउंट जो हमें प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करके देते हो, वो सारे अकाउंट कौन से होते हैं, नॉमिनल अकाउंट। और आप लोग ये जानते हैं कि बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस तक अगर पहुंचना है तो हमें तो कंपेयर करना पड़ता है अपने किसको, अपने एक्सपेंसेस या लॉसेस को कंपेयर करना पड़ता है अपनी इनकम या गेन्स के साथ। बिल्कुल, हमेशा से, सालों साल से, हजारों साल पहले से मुंशीगिरी हो रही है, और मुंशीगिरी के अंदर अगर मैं अपने मुंशी को बोलता हूं कि मेरे भाई मेरे को प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करके दे दे, तो वो प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए यही तरीका ढूंढता है, एक तरफ एक्सपेंसेस लॉसेस लिखता है, दूसरी तरफ इनकम और गेन, और मेरे को प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करके देता है। और अकाउंटिंग सेंस से बोलूं तो नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल लॉसेस एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। मतलब जब जब नुकसान होगा, जब जब एक्सपेंस होगा, तो नॉमिनल अकाउंट डेबिट होगा, और जब जब फायदा होगा, जब जब गेन होगा, तो नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट होगा। ये याद रहेगी, अब प्रूफ करते हैं, आओ जरा आओ मेरे साथ साथ। जब बिजनेस क्लोज हो गया तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या करा, हमने मान लो असेट्स को ट्रांसफर करा, असेट्स को क्या करा, ट्रांसफर करा, कौन सी वैल्यूज पर, बुक वैल्यूज, मतलब बैलेंस शीट के अंदर जो चीज। अच्छा मान लो यहां पर डेटर्स है, और हम लोगों ने डेटर्स की वैल्यू दे रखी है 100 मान लो, और स्टॉक भी दे रखा है मान लो जिसकी वैल्यू है 50, तो बुक वैल्यूज कितनी कितनी होगी, डेटर्स की बुक वैल्यू होगी 100 और स्टॉक की बुक वैल्यू होगी 50। तो इस वैल्यू पर हमें असेट्स को पहले क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा, स्टेप नंबर वन, क्योंकि बिजनेस बंद हो रहा है तो सबसे पहले बिक नहीं सकता सीधा, सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर, और बुक वैल्यू पर। अब बताओ जब फर्म में से असेट्स जा रहे हैं हमारे लिए फायदा कि नुकसान, फटाफट से, अगर फर्म में से असेट्स जा रहे हैं, ट्रांसफर करने का मतलब क्या है, हम अपने असेट्स को भेज रहे हैं,
असेट्स जा रहे हैं तो हमारे लिए नुकसान की फायदा, आप कहोगे सर असेट्स जा रहे हैं किसी बिजनेस में से तो उसके लिए नुकसान है, बिल्कुल नुकसान है मतलब लॉस है, तो क्या होना चाहिए नॉमिनल अकाउंट को डेबिट, इसीलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, इसीलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कौन कौन से असेट्स चले गए हमारे पास से, डेटर्स, बुक वैल्यू कितनी 100, और कौन सा स्टॉक, स्टॉक चला गया हमारी जेब में से कितने का रुपीज 50, हाँ कि ना, मतलब जब जब नुकसान होगा मेरी तरफ से डेटर्स जा रहे हैं स्टॉक जा रहे हैं मतलब मेरे असेट्स जा रहे हैं हमें नुकसान हो रहा है, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट को मैंने क्या करे डेबिट, ध्यान रखना कोई एग्जाम में कंफ्यूजन हो तो एटलीस्ट ये याद रखें कि भाई जब जब नुकसान होगा जब जब लॉसेज होंगे तो आप डेबिट में लिखें और जब जब फायदा होगा हमें कहां लिखना होगा क्रेडिट में, ये उन स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रहा हूं जो बिल्कुल टॉप क्लास के नालायक है, ये बात याद रहेगी, लेकिन ये बात तो 11th क्लास से क्लियर थी वैसे हमारी, चलो ठीक है। अब मान लो कुछ लाइबिलिटीज भी दे रखी है क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में 80 के और बिल्स पेबल भी दे रखे हैं 20 के मान लो, तो बुक वैल्यू होगी क्रेडिटर की 80 और बिल्स पेबल होगी कितनी 20, हम अपनी लाइबिलिटीज को भी ट्रांसफर करना है बैलेंस शीट वैल्यूज पर, हम जब अपनी लाइबिलिटीज को ट्रांसफर कर रहे हैं तो बताओ लाइबिलिटीज बिजनेस की बढ़ रही है कि घट रही है, सर लाइबिलिटीज हमारी तरफ से दूर चलेगी निकल गई तो हमारी लाइबिलिटीज तो क्या होगी कम होगी, और लाइबिलिटीज कम होना हमारे लिए फायदा है, फायदा है तो देखो जरा इनकम और गेन कौन सी साइड में आएंगे, तब अकाउंट क्या हो जाएगा क्रेडिट, इसीलिए अब रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा बाय क्रेडिटर्स कितने से 80 और बाय बिल्स पेबल 20, हाँ कि ना, मतलब देखो जरा यहाँ नुकसान है तो डेबिट करा मैंने रियलाइजेशन अकाउंट को और फायदा है तो मैंने रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करा, कोई दिक्कत तो नहीं बुक वैल्यूज पर, ध्यान रखना क्वेश्चन कितना भी कंफ्यूज करे असेट्स और लाइबिलिटीज हमेशा और हमेशा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर होंगी कौन सी वैल्यूज पर, बुक वैल्यूज या कह लो क्या बैलेंस शीट वैल्यूज, हाँ कि ना, ये मैंने ट्रांसफर कर दिया और इसको हम अपना स्टेप नंबर 1 कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं स्टेप नंबर 1 जहां पर हमने अपने असेट्स और लाइबिलिटीज को क्या कर दिया ट्रांसफर कर दिया, लेकिन अब मैंने ट्रांसफर तो कर दिया, अब मैंने फोटो को अपलोड तो कर दिया OLX ऐप पर, अब उसके रेट लगेंगे और मेरे असेट्स बिकने चालू होंगे, असेट्स बिकेंगे तो मेरे को जरूर कुछ ना कुछ क्या होगा फर्म को क्या मिलने वाला है पैसा मिलने वाला है, और फर्म को पैसा मिल रहा है तो बताओ फर्म के लिए नुकसान की फायदा, फटाफट से अगर मैं अपने असेट्स सोल्ड कर रहा हूं, फर्म आज अपने असेट्स सोल्ड करने लगी है ओपन मार्केट में क्योंकि फर्म डिसॉल्व हो रही है, तो असेट्स बेचने पर फर्म को पैसा मिल रहा है तो फर्म के लिए तो फायदा है तो आप जानते हो, इनकम और गेन जब होगा तो अकाउंट को क्या होना चाहिए क्रेडिट होना चाहिए, इसलिए अब रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा और मेरे पास मतलब फर्म के पास क्या आ जाएगा कैश आ जाएगा, तो हम कहेंगे बाय कैश, मान लो डेटर्स बिका कितने का मतलब डेटर्स ने कितने हमें पैसे दे दिए पूरे दे दिए, तो पूरे पैसे कितने डेटर्स से कितने लेने थे 100 और डेटर्स से पूरे कितने मिल गए हमें 100, और मान लो स्टॉक जिसकी बुक वैल्यू तो 50 थी लेकिन रियलाइज हुए सिर्फ 30 रुपीज, तो जितने पैसे रियलाइज हुए हमें बस उतना ही रिकॉर्ड करना है क्योंकि हमारे पास जो कैश आया वो कितना आया सिर्फ 30 रुपीज आया, भले ही उसकी मार्केट सॉरी बुक वैल्यू कितनी थी 50, लेकिन जब उसे बेचने के लिए बाहर निकले तो उसके अगेंस्ट हमें सिर्फ कितने ही मिले 30 मिले, तो जितने मिले उतने से रिकॉर्ड हो जाएगा, मतलब स्टॉक कितना दिखाऊंगा सॉरी 50 दिखाऊंगी 30, जितना मिला है मैं तो उतना दिखाऊंगा, हाँ कि ना, इसका मतलब समझ जाओ असेट्स और लाइबिलिटीज ट्रांसफर तो हमेशा बुक वैल्यूज पर ही होंगे बैलेंस शीट वैल्यूज पर ही होंगे, लेकिन मैं जितनी भी कैश रिसीव करूंगा मैं उतना ही रिकॉर्ड करूंगा जब मैं असेट्स को बेचूंगा, तो हाँ कि ना, भले उसकी बुक वैल्यू कितनी दिख रही हो 50 लेकिन पैसा तो कितना मिला 30, इसलिए मैंने बाय कैश में स्टॉक के नाम से 30 दिखाया जितना पैसा मेरे को रिसीव हुआ है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये मैंने एक हिसाब से क्या कर दिया इसको मैं स्टेप नंबर 2 कह लूंगा, यहां पर मैंने क्या कर दिया असेट्स सोल्ड कर दिए, बताओ हाँ कि ना असेट्स सोल्ड, बिल्कुल कोई दिक्कत तो नहीं, अब असेट्स सोल्ड कर दिए तो बताओ मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था स्टेप नंबर 1 क्या होगा जब मैं असेट्स को ट्रांसफर करूंगा, स्टेप नंबर 2 जब मैं लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करूंगा, स्टेप नंबर 3 जब मैं असेट्स को बेचूंगा और जो पैसा रिकवर होगा उससे मैं लाइबिलिटीज की पेमेंट कर दूंगा, मतलब अब जो मेरी बारी है वो क्या करने की है पेमेंट करने की बारी है, और खुद सोचो जब मैं पेमेंट कर रहा हूं फर्म जब पेमेंट कर रही है तो फर्म के लिए तो खर्च है नुकसान है, नुकसान है तो रियलाइजेशन अकाउंट का रूल है वो क्या होना चाहिए देखो एक्सपेंसेस लॉसेस में क्या होता है डेबिट, इसीलिए अब डेबिट में क्या लिखूंगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि अब फर्म की जेब में से पैसा जा रहा है क्योंकि हम लाइबिलिटीज को पे कर रहे हैं नुकसान है इसलिए डेबिट हुआ रियलाइजेशन, सिंपल सी बात है रियलाइजेशन जब जब डेबिट हो रहा है समझ जाना कि कुछ नुकसान है कुछ लॉस की बात हो रही है, और जब जब रियलाइजेशन क्रेडिट होगा समझ जाना कुछ ना कुछ फायदा फर्म के पास आ रहा है, ये बात याद रहेगी बिल्कुल, तो मैं टू कैश लिखता हूं और क्रेडिटर्स की पेमेंट मान लो मैंने पूरी कर दी, मतलब क्रेडिटर को 80 देने थे और कितने ही दे दिए
80 दे दिए, और बिल्स पेबल वालों को मैंने मना लिया, मैंने बोला भाई हमने तुम्हारे देने तो कितने थे, बिल्कुल 20 रुपए, लेकिन हालात सही नहीं है, और मैंने उनके साथ फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर ली, और उन्होंने कहा सर ठीक है आधे दे दो, तो कितने जाएंगे मेरी जेब में से, 10 जाएंगे बस, जितने की मैंने पेमेंट करी है, जितना पैसा मेरी जेब में से गया। तो वही बात है, लायबिलिटीज ट्रांसफर तो बुक वैल्यू भरी हुई थी, देखो 20-20 हाँ कि ना, लेकिन जितना पैसा मेरी जेब में से गया है मैं तो उतने से ही रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि कैश तो कितने से गया है, सिर्फ 10 से, तो जितने से गया उतने से रिकॉर्ड होगा। लेकिन ध्यान रखना फिर से, ट्रांसफर हमेशा बुक वैल्यू और बैलेंस शीट पर हो, ये याद रखना हमेशा, ये बात ठीक है। तो अभी तक की बात से आपको समझ में आ गया कि जब जब फायदे हुए मैंने रियलाइजेशन को क्रेडिट करा, और जब जब नुकसान हुए मैंने रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। असेट्स ट्रांसफर करें, सॉरी असेट्स ट्रांसफर करें, लायबिलिटीज ट्रांसफर करी, असेट्स बेचे, लायबिलिटी चुकाई, यही है। असेट्स ट्रांसफर करें, लायबिलिटीज ट्रांसफर करी, असेट्स को बेचा और पैसे लिए, उस पैसे से मैंने लायबिलिटीज को क्या कर दिया, पे ऑफ, लायबिलिटीज की पेमेंट कर दी है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं समझाने के लिए आपको, पेमेंट ऑफ क्या, पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, हां कि ना, बिल्कुल। अब बात आती है कि सर ये जो रियलाइजेशन अकाउंट है, ये जो पूरा डिसोल्यूशन का प्रोसेस है, फॉर्म बंद करने का प्रोसेस है, क्या हम वो आपस में बैठ के कर लेते हैं, बिल्कुल नहीं। एक ऑफिशियल को बिठाते हैं, एक ऑफिशियल होता है मान लो जिसका नाम मिस्टर क्या है, मान लो जिसका नाम मिस्टर एक्स है। अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर्म को बंद करना, इनका नाम है लिक्विडेटर, इनका नाम क्या होगा, इनका नाम होगा लिक्विडेटर। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बिना किसी के इन्फ्लुएंस में आए, अनबायस्ड होके अच्छे तरीके से फॉर्म को डिसॉल्व करें। तो ये भी तो अपनी फीस चार्ज करेंगे, ये थोड़ी ना हमारे लिए आए हुए सेवा देने के लिए, लंगर देने के लिए, हाँ कि ना, तो इनको भी तो पेमेंट देनी पड़ेगी, बिल्कुल। और जब हम इनको पेमेंट देंगे रियलाइजेशन के नाम से, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के नाम से जब हम इनको पेमेंट करेंगे, तो फिर से फॉर्म के लिए क्या है वो, एक्सपेंस। फॉर्म जब उनको पेमेंट देगी तो फॉर्म के लिए एक्सपेंस है, इसलिए फिर से रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, किस नाम से, टू कैश, क्योंकि फॉर्म की जेब में से पैसा जा रहा है, फॉर्म के लिए नुकसान है इसलिए डेबिट, किस नाम से, टू कैश, और ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, मान लो कितने के, 10 रुपीज के, फिर से फॉर्म के लिए नुकसान है इसलिए फिर से मैंने डेबिट में लिख दिया। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल क्लियर है। आओ जरा डिस्कशन को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। ये देखो, मान लो कहीं पर एक ट्रांजेक्शन आती है जिसका नाम होता है कि मिस्टर ए टुक ओवर द असेट ऑफ द बिजनेस। ऐसा होता है बहुत बार, लिखा होता है एग्जाम में, मिस्टर ए जो कि फॉर्म का पार्टनर है और वो फॉर्म का क्या लेके चला गया, फॉर्म का असेट लेके चला गया। अब भाई फॉर्म नॉर्मली भी तो असेट्स को ओपन मार्केट में बेच ही रही है, हाँ कि ना, उसी से तो पेमेंट मिलती है, और हम किसको चुका देते हैं, लायबिलिटीज को। यहां पर जो असेट नॉर्मली बाहर बिकना था, पार्टनर ने बोला मैं ले जाता हूं। अब बड़े ध्यान से देखना, फॉर्म ने ऑलरेडी मान लो ए को कुछ पैसा देना था, मान लो फॉर्म की लायबिलिटी ए की तरफ ऑलरेडी कितनी थी, 100 कैपिटल के नाम से, कैपिटल एट द एंड जो उस समय थी ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, फॉर्म ने ऑलरेडी ए को कितना रुपया पे करना था, 100 रुपए पे करने थे, मतलब फॉर्म की लायबिलिटी ए की तरफ कितनी, 100 रुपए, और फॉर्म में से एक असेट लेके चला गया ए, जिसकी मार्केट वैल्यू उस समय थी 20, बताओ हाँ कि ना। आज बता सकते हो फॉर्म ए को कितना पैसा देने के लिए लायबल है, पहले फॉर्म ने 100 रुपए देने थे, फॉर्म कहती थी हाँ जी हमने उसकी डिसोल्यूशन की डेट पर 100 रुपए देने हैं, उसका हिसाब किताब इतना बनता है। लेकिन जब वो फॉर्म का एक असेट लेके चला गया जिसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, 20, तो आज बताओ फॉर्म ए को कितना पैसा देने के लिए लायबल है, क्या आज भी फॉर्म उसे 100 रुपए देने के लिए लायबल है, बिल्कुल नहीं। 100 में से 20 रुपए का तो वो फॉर्म का सेट लेके चला गया। फॉर्म आज कहेगी भैया आप हमसे अब कितने रुपए लेंगे, सिर्फ 80 रुपीज। तो खुद बताओ फॉर्म की लायबिलिटी ए की तरफ पहले कितनी थी, 100, लेकिन आज कितनी है, सिर्फ 80। इसका मतलब जब कोई पार्टनर फॉर्म में से क्या लेके जाएगा, असेट लेके जाएगा, तो फॉर्म की लायबिलिटी उस पार्टनर की तरफ कम हो जाएगी, जैसे कि सामने मैंने आपको समझाया। तो फॉर्म की लायबिलिटी कम हो रही है तो फॉर्म के लिए फायदा कि नुकसान, बड़े ध्यान से, फॉर्म की लायबिलिटी अगर कम हो रही है मिस्टर ए की तरफ तो फॉर्म के लिए फायदा कि नुकसान, बिल्कुल फायदा। सर फायदा तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो यहां पर किस नाम से एंट्री हो जाएगी, बाय एज कैपिटल अकाउंट, बाय एज कैपिटल अकाउंट, और हम ब्रैकेट में लिख देंगे असेट टेकन ओवर, हां कि ना, असेट टेकन ओवर। इस बात का मतलब क्या हुआ कि मिस्टर ए को अब हमें कम पैसा देना है क्योंकि वो फॉर्म का असेट लेके चला गया। कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल क्लियर है,
याद रहेगी बात, बिल्कुल याद रहनी चाहिए, ठीक है ना। जब जब वो पार्टनर फर्म का सेट लेके जाएगा तो फर्म को अब उसे 100 देने की जरूरत नहीं है, फर्म सिर्फ देगी उसे 80 रुपए। तो 20 रुपए जो फर्म को कम देने पड़ रहे हैं वो फर्म के लिए फायदा है, इसलिए मैंने रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कराया और बाय एस कैपिटल को डेबिट कर दिया। एक और सिचुएशन हो सकती है, ये मान लो एक सिचुएशन थी, दूसरी देखो, एक और पार्टनर है बी जिसने फर्म की लाइबिलिटी चुका दी, क्रेडिटर्स मान लो, फर्म ने क्रेडिटर मान छोड़ो, शॉर्ट टर्म लोन मान लो, कोई शॉर्ट टर्म लोन था जो कि लाइबिलिटी तो किसकी थी चुकाने की, फर्म की, जो कि बी ने चुका दी है, मतलब लाइबिलिटी ऑफ फर्म पेड बाय दी फर्म, यही मतलब हुआ ना, बिल्कुल। शॉर्ट टर्म लोन चुकाने की जिम्मेदारी किसकी थी, फर्म की, लेकिन चुका कौन रहा है, मिस्टर बी। मान लो फिर से सेम एग्जांपल इसी के तरीके से, बी को फर्म ने कितने रुपए देने थे, मान लो 200, मतलब कैपिटल ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन बी की तरफ कितना बनता था फर्म का देना, 200 बनता था, और बी ने एक लोन भी चुका दिया फर्म का, उस लोन का अमाउंट मान लो कितना था, 50 रुपए थे। तो आज बताओ बी जब अपनी पेमेंट मांगेगा किससे, फर्म से, तो बी सिर्फ फर्म सिर्फ उसे 200 रुपए देने के लिए लायबल होगी, बिल्कुल नहीं। वो कहेगा भैया 200 रुपए तो आपने मेरे को वैसे ही देने थे, लेकिन ये 50 रुपए की लाइबिलिटी तो फर्म तेरी थी, ये पैसा तो मैंने तेरे बिहाफ पे चुका दी है, अब तुम मुझे 200 नहीं दोगे। बी कहेगा अब तुम मेरे को कितने रुपए पे करोगे, 250 पे करोगे, 200 जो मेरे पहले के बनते ही थे, और 50 रुपीज वो जो कि लोन मैंने आपका चुका दिया। तो आज बी एक्सपेक्ट करेगा कि बी को कितने रुपए मिलने चाहिए, 250 रुपए। मतलब फर्म की लाइबिलिटी जो पहले बी की तरफ सिर्फ 200 थी, आज वो बढ़कर 250 रुपीज हो गई है। तो बताओ फर्म की लाइबिलिटी 200 से बढ़कर 250, इसका मतलब फर्म की लाइबिलिटी बढ़ गई, और लाइबिलिटी बढ़ गई तो क्या, फटाफट से, लाइबिलिटी बढ़ गई तो क्या, फर्म के लिए नुकसान, नुकसान तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या पर, फटाफट से डेबिट, बिल्कुल सही। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू किसकी तरफ लाइबिलिटी बढ़ी है, टू बीज कैपिटल अकाउंट। क्या लिख देंगे हम लोग, लाइबिलिटी पेड किसके बिहाफ पर, ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, मतलब लाइबिलिटी थी तो फर्म की, जो कि किसने चुका दी, मिस्टर बी ने चुका दी, हाँ कि ना, बिल्कुल क्लियर है, वेरी गुड, समझ में आ गया अच्छे से, आ गया होगा बिल्कुल। अब मान लो क्रेडिट साइड बढ़ी है, क्रेडिट साइड बढ़ी का मतलब क्या है, इनकम या गेन साइड बढ़ी है, हाँ कि ना, इनकम गेन ज्यादा है और ऑब्वियसली एक्सपेंस और लॉस मान लो कम है, तो बिजनेस को क्या हुआ होगा, प्रॉफिट हुआ होगा। बड़े ध्यान से समझना, इनकम और गेन की साइड अगर ज्यादा है, मतलब क्रेडिट साइड अगर ज्यादा आई है, मान लो क्रेडिट साइड आई है लमसम 20,000, मान लो कितनी आई है 20,000, और सारे नुकसान मिला के वैल्यू आई है 14,000, मान लो, समझे, तो खुद बताओ 20,000 रुपए के फायदे और 14,000 रुपए के नुकसान, अभी भी फर्म के पास कितना बचा है प्रॉफिट का, 6,000 रुपया बचा है। तो बचा हुआ प्रॉफिट किसके पास, पार्टनर्स के पास जाएगा, उनकी रेशियो में, बिल्कुल। मान लो पार्टनर्स हैं ए बी और सी, डिफरेंस यहां है 6,000 का, तो ऑब्वियसली फर्म को वो पैसा देना पड़ेगा पार्टनर को। बड़े ध्यान से समझो, फायदे कितने के, 20,000 के, नुकसान कितने के, 14,000 के। तो फर्म को 6,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, और ये प्रॉफिट का पैसा फर्म किसको पे करेगी, पार्टनर्स को पे करेगी, तो फर्म को पेमेंट देनी पड़ेगी, बताओ हाँ कि ना। तो कहीं ना कहीं ये भी तो फर्म के लिए क्या हुआ, एक एक्सपेंस ही तो है, फर्म ने ये प्रॉफिट पार्टनर्स को देना है, तो फर्म के लिए तो एक्सपेंस ही तो है, बिल्कुल एक्सपेंस है, इसलिए फिर से नॉमिनल अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, हाँ कि ना, टू बीस कैपिटल, और आखिरी टू सीज कैपिटल। सिंपल सी बात है, 2A कैपिटल, 2B कैपिटल, 2C कैपिटल का मतलब है तीनों के कैपिटल्स क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है। और हम जानते हैं जब जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है, पार्टनर्स की कैपिटल क्या होती है, बढ़ती है, और कैपिटल बढ़ती कहां पर है, क्रेडिट साइड में। लेकिन ये पेमेंट फर्म ने तो देनी है किसको, पार्टनर्स को, इसीलिए फर्म के लिए नुकसान है, इसीलिए रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करें, क्योंकि फर्म की तरफ से तो पेमेंट जाएगी, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग हो रही है, तो फर्म को क्योंकि वो पेमेंट देनी पड़ेगी, इसीलिए रियलाइजेशन को डेबिट करें, मतलब फर्म को ये पेमेंट एक्सपेंस के तौर पे पार्टनर्स को देनी है। ये प्रॉफिट का हिस्सा 20 माइनस 14 जो 6,000 रुपए है, वो फर्म पे करेगी पार्टनर्स को, और उस प्रॉफिट का हिस्सा अल्टीमेटली एबीसी की कैपिटल को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। और मान लो इक्वल पार्टनर्स थे तो कितना कितना पैसा, 2,000, 2,000 और 2,000, ऐसे करके हमारा आंसर टैली हो जाएगा 20,000 और 20,000। तो दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं सर, ठीक है जी, तो समझे, बिल्कुल समझे सर। तो मैं दोबारा से जरा फटाफट से एक बार रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में शॉर्ट में बताऊं, तो दिमाग में क्या क्या बातें रखनी है, बिल्कुल। पहली बात,
कि जब भी फॉर्म बंद होगी मतलब बिजनेस खत्म मतलब बिजनेस की बैलेंस शीट खत्म। ऑडिशन स्टेटमेंट पता चलती थी हमें बैलेंस शीट से, जब बिजनेस ही क्लोज हो गया इसका मतलब बैलेंस शीट खत्म हो जाएगी, मतलब लाइबिलिटीज भी अब हमारी नहीं रहेंगी और असेट्स भी हमारे नहीं रहेंगे। पहली बात तो ये याद रखना। और सबसे पहले क्या सारी चीजें बिक जाती हैं, लाइबिलिटीज की पेमेंट हो जाती है? बिल्कुल नहीं। मैंने अभी आपको ओएलएक्स का एग्जांपल दिया था, पहले तो चीजों को ट्रांसफर करना पड़ता है, अपलोड करना पड़ता है, तब बिकनी शुरू होती है। आईपीएल का भी एग्जांपल दिया, पहले सारे पार्टनर्स सॉरी सारे प्लेयर्स एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, मतलब वो भी तो एक हिसाब से ट्रांसफर हो रहे हैं, उसके बाद फिर वो बिकने शुरू होते हैं। उसी हिसाब से बिजनेस की सारी लाइबिलिटीज और सारे असेट्स पहले क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे। कौन सी वैल्यूज पर? बुक वैल्यूज पर। बुक वैल्यूज मतलब वो वैल्यूज जो कहां पर दिखाई दे रही होंगी, बैलेंस शीट के अंदर दिखाई दे रही होंगी। इतनी बात याद रखोगे तो आ जाना रियलाइजेशन अकाउंट पर। फिर मैंने बताया रियलाइजेशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट मतलब ऐसा कोई भी अकाउंट जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करके देता है। प्रॉफिट एंड लॉस के लिए सब जानते हैं, एक तरफ एक्सपेंसेस लॉसेस को कंपेयर करा जाता है और दूसरी तरफ इनकम और गेन्स को। इसीलिए जब जब नुकसान होगा, जब जब एक्सपेंस या लॉस होंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, और जब जब फायदा होगा रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा। तो बस यहां मैंने असेट्स को ट्रांसफर करा बुक वैल्यू पर, यहां मैंने लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करा, उसके बाद असेट्स को बेचा, पैसा आया, उससे लाइबिलिटीज की पेमेंट कर दी, और बस ऐसे छोटी छोटी और बातें मैंने समझाई, और एंड में प्रॉफिट आया। प्रॉफिट 6000 रुपए का आया, और वो प्रॉफिट कौन किसको देगा? फर्म देगी किसको? पार्टनर्स को। तो फर्म को तो वो पेमेंट चुकानी है, तो फर्म के लिए तो नुकसान है, इसलिए फिर से रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बी टू सी, और इक्वल पार्टनर्स मैंने माने हैं। तो 20000 रुपए का अगर टोटल इनकम थी जिसमें से 14000 रुपए के खर्चे थे, तो 6000 रुपए का प्रॉफिट तीनों पार्टनर्स को मिल जाएगा, जिससे उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी। बड़ी आसान बात है वैसे, कोई दिक्कत की बात ही नहीं थी। कोई दिक्कत तो बताया आप लोग, क्लियर बिल्कुल अच्छे से? ठीक है, चलो बस ये इसे अच्छे से नोट डाउन करो, आगे हमारी चर्चा तो चालू रहेगी। लिखियो से, फटाफट से लिखें, ऑल द बेस्ट लिखो।